दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जामिनेशन टाइम में किस तरीके से आपको टैकल करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। तो सिर्फ मैं दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विद योर फेवरेट एग्जामिनेशंस एंड सेकंड कि एक बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को सही तरीके से क्लियर कर पाए और एक अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। और साथ में एक बेस्ट स्टोरी मैं आपको शेयर करने वाला हूं जिससे आप बहुत रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ यार, ऐसी गलती भाई मैं नहीं करूंगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग करना, जैसे अपना यूट्यूब चैनल बनाना, वेबसाइट के थ्रू पैसे कमाना, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अंकित। अब अंकित जो था वो खेलने कूदने में काफी तेज था, मतलब उसे पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा बोरियत लगती थी। सिंपल सी बात, उसका सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो था स्पोर्ट्स, जो कि आजकल कहीं ज्यादा बच्चों से दूर होता जा रहा है। मतलब मैं अगर बात करूं इस टॉपिक को रुक के थोड़ा स्टोरी को, तो स्पोर्ट्स हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, इट मींस आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटेलिजेंट था। इसका फायदा उठाने के लिए क्या करा उसने कि अपने स्पोर्ट्स टीचर के साथ सेटिंग कर ली। उन्हें बोला कि सर, मैं हमेशा आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूं, आप मुझे पूरा दिन प्रैक्टिस करवाइए, जिससे मेरी क्लास की अटेंडेंस कम होने लग गई और साथ में मेरे जो पीटी टीचर थे बड़े खुश होने लग गए। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट टीचर थे वो अंकित से बहुत ज्यादा नाराज होने लग गए, क्योंकि जब भी क्लास टेस्ट होते या फिर कोई भी टेस्ट होता जिसमें अंकित को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। टीचर बहुत परेशान, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसकी पढ़ाई का लेवल आखिर है क्या। इससे पहले अंकित ने 9th क्लास में तो वो पढ़ने में कुछ ठीक ठाक ही था, अगर मैं यूं कहूं तो एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके मार्क्स कुछ 50 और 60 के बीच में आए थे। अब वो बात नहीं रही, पहले 9th क्लास थी लेकिन इस बार 10th है, पता नहीं क्या होगा, कैसे कर पाएगा। जो उसके क्लास टीचर्स थे वो भी टेंशन में थे और साथ में उसके पेरेंट्स भी। और वहीं पे उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो काफी इंटेलिजेंट था, वो सब क्लास में अटेंडेंट रहता था और कई बार अपने टीचर से डांट भी खाता था कि यार, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने ऐसा क्यों नहीं बना रहे हो। पर वो बेचारा करता भी तो क्या करता, वो उसकी सुनता कहां था। एक दिन टीचर ने क्लास टेस्ट रखा और उन्होंने स्पेशली अंकित के घर पर कॉल करके बोला कि 2 दिन बाद क्लास में टेस्ट है और इस बार अंकित को क्लास टेस्ट देना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो उसका एडमिट कार्ड उसको नहीं मिलेगा। और भाई, इस बार अंकित आया, टीचर इतने खुश हुए, मतलब उनको ये सोचो कि बंदे के मार्क्स चाहे जो भी हो, टीचर की खुशी सबसे ज्यादा इसी बात पे थी कि चल भाई, पेपर देने तो आया। क्योंकि पहले वाले टीचर कहां थे यार, डंडे उठाए, धैर्य डंडे, मैंने ऐसे मार खाई है मेरे भाई, सच बता रहा हूं, सीरियसली। मारते मारते टीचर बीच में कहते थे हंस रहा है और हंसी भी आ जाती थी, फिर से तोड़ना स्टार्ट, ऐसे मैंने मार खाई है अपने टाइम पे। लेकिन अब वो जवाने गए, टीचर प्यार से बुलाते हैं, बेटा स्कूल आ जाओ, और बच्चे कहते रहे सर मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो ऐसे कुछ अंकित के साथ भी था। अब टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद अंकित के जो मार्क्स थे वो सब चौंक गए एकदम से, जो मार्क्स थे वो 20 में से 5 नंबर, अंकित फेल। भाई, टीचरों ने पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को ये बात मालूम थी कि हमारा लड़का पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर रहा ये उन्हें बिलीव नहीं था। सबको मालूम तो था कि दिन भर स्पोर्ट्स की क्लास में रहता है, फील्ड में ही रहता है, ग्राउंड में ही खेलता रहता है। फिर सबने स्पोर्ट्स टीचर से बात की, उन्होंने कहा कि आप अपने तरीके से समझाइए कि कुछ दिन जब एग्जामिनेशंस हैं तब स्पोर्ट्स को कम किया जाए, जहां खेलना आप दिन के 5-5 घंटे खेल रहे हैं, वहां पे दिन के 1.5 आवर 1 आवर 1.5 घंटा, डिपेंड्स ऑन योर गेम। क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो चलो ठीक है, एक दिन बीच करके 1.5 घंटा निकाल लो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर दिन 1.5 घंटे निकाल रहे हैं। तो एग्जामिनेशंस के बीच में अंकित को समझाया गया कि बेटा, इस टाइम तुम थोड़ा कम कर दो, खेलो, जिससे आपका माइंड शार्प रहे, लेकिन बाकी चीजों पे अब ज्यादा टाइम जो है आपका पढ़ाई पे आपको देना है। अंकित ने क्लास में अटेंडेंस लगाना स्टार्ट किया, बट प्रॉब्लम यह आई कि उसको समझ नहीं आता था, क्योंकि जितनी भी क्लास उसने पढ़ी थी, बाकी ज्यादातर क्वेश्चंस उसमें, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, रिविजन में वो बैठा हुआ है। अब रिविजन में टीचर वैसा नहीं पढ़ाते जैसा वो स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं बेसिक से, यहाँ पे अंकित को बातें चीजें काफी कुछ समझ नहीं आता। उसने जुगाड़ करना स्टार्ट किया भाई कि नोट्स दे दो यार, टीचर से मांगे, टीचर ने बोला नहीं नहीं अब नोट्स वोट्स नहीं है मेरे पास, फ्रेंड से मांगो, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इतना अच्छा पढ़ता है उससे मांगो। अंकित के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, पढ़ाकू बाकी उसका दोस्त ही, बंदे ने मांग लिया उससे नोट सारे। नोट्स लेने के बाद अंकित ने देखा यार, ये भी समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि पढ़ाकू भाई ने बिल्कुल वैसा ही चेपा था जैसी किताब में थी, और नोट्स पढ़ लो या किताब पढ़ लो बात तो एक ही है। उसने कहा नहीं भाई, ये पैतरा नहीं चलेगा। उसने कहा तो नोट्स पढ़ी जाए या किताब पढ़ी जाए। उसने देखा कि किताब की हैंडराइटिंग ज्यादा बेटर है उस नालायक से।
उसने कहा चल भाई किताब पढ़ते हैं। सबसे मेन पार्ट यहाँ पे अंकित ने डेडिकेशन लगा दी। और दोस्तों फिर आया रिजल्ट, फिर से उनके माँ बाप के होश उड़ गए। हुआ इस बार ऐसा कि इस बार अंकित ने पूरे स्कूल में टॉप किया और उसका दोस्त जो जहाँ पढ़ाकू था वो सेकेंड आया। भाई टीचर परेशान थे, ऐसा क्या हो गया, कहीं गलती से पेपर तो ना किसी और का लिख दिया नाम अंकित ने, बदमाश तो इस लेवल का था ही वो। बट बाद पेपर की चेक हुई, अंकित से काफी कुछ पूछा गया जैसे बिहार में पूछा जाता है टॉपरों से, वैसे अंकित से भी पूछा गया। अंकित ने सारे जवाब सही दिए, टीचर हैरान। जब पेपर चेक किए तो जब पेपर के दौरान जब कंपैरिजन किया गया तो उन्होंने देखा कि जो सेकेंड टॉपर था, जो उसका फ्रेंड था, उसने बहुत सारी चीजें रटी रटाई, सारी चीजें चेपी हुई थी, लेकिन अंकित ने उस चीज को इंटेलेक्चुअल वे में अपने तरीके से, क्या इसका बेस्ट पॉसिबिलिटी होना चाहिए, उस तरीके से उसने उसको आंसर में ढाला। उसने एग्जैक्ट बुक का कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसने समझ के आसान तरीके से क्या होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देके सारी चीजें डिटेल में समझा के वहां पे क्लियर करी, जिससे वो टॉप आया। तो दोस्तों समझो, लाइफ में तुम कितने ज्यादा पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने पूरे साल में क्या उखाड़ लिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम है एग्जामिनेशन से पहले, मेरे दोस्त इस टाइम कोई तुम्हें नहीं पूछने वाला, ना तुम्हारे दोस्त ना फ्रेंड, हजार में एक आध के ही दोस्त होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। ये तो हर बंदा चाहता है कि मेरा दोस्त पास हो जाए भाई, लेकिन मुझसे आगे ना निकले, बस शर्त लगी होती है। मन में कौन चाहता है, मुंह पे बोलते हैं बंदे कि तेरे से ज्यादा लाऊंगा, तेरे से ज्यादा लाऊंगा, जमाने गए जब हम मन में ही रखते थे कि इससे ज्यादा लाना है। तो इक्का दुक्का किसी का बेस्ट फ्रेंड है, बढ़िया तो बढ़िया भाई, तुम भगवान ने तुम्हें स्पेशल दिए हैं, लेकिन कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो ये टाइम है जहां अपने आप को यूटिलाइज करो, स्पोर्ट्स खेलो, दिन भर जो गेम में लगे रहते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब माँ ने पूछा कि ऑनलाइन गेम्स की तरफ ज्यादा चला गया, तो उन्होंने कहा अच्छा पबजी खेलो। देखो वो चीजें हमें लर्निंग भी देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम भी है भाई। और सीधी सी बात है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो अपने आप को तुम हेल्प में ला सकते हो, नहीं तो बाकी सभी लोग अगर हेल्प करेंगे भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। इस सोच को समझो यार, अब कुछ प्लान आउट करता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो हमेशा स्टार्ट योर डे अर्ली, हमेशा जल्दी सुबह उठने की कोशिश करिए। मैं नालायक हूँ जो आपको ये ज्ञान रात को बांट रहा हूँ, ठीक है मेरा ऐसा काम है, बट अगर आप 90% रेशियो रखेंगे ना, तो जितने भी बिलियनर्स हैं, चाहे फिल्म स्टार्स हैं, ज्यादातर लोग मॉर्निंग में उठते हैं, इससे उनका दिन काफी लंबा रहता है। मेरा काम कुछ ऐसा है जो मैं नाइट को करता हूँ, लेकिन एज अ हमेशा सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार सुबह मेरे से उठा नहीं जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेडिकेशन होके कितने टाइम अपने काम को करते हैं। अगर आप सुबह 4-5 बजे नहीं उठ पाते, सुबह के 9-10 बजे उठते हैं, तो आप लेट नाइट मतलब 12-1-2 बजे तक काम लाइक पढ़ते होंगे, तो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट रेशियो आपका 8-9 घंटे का आ गया। और सोना भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन टाइम में बच्चे क्या करते हैं, कह रहे यार पूरे साल नहीं पढ़ा भाई, यही टाइम है, अगर इस टाइम नहीं खींचा ना तो भाई गेम हो जाएगा। तो इस गेम के चक्कर में ना फिल्म भी हो जाती है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई आपकी लाइफ में। तो ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करना सिंपल एक ही है कि स्लीप भी आपको सही लेनी पड़ेगी, 6-7 घंटे की लीजिए। अगर आप योगा करते हैं, बहुत चीज अपनी एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करते हैं, तो 5 घंटे की स्लीप ले सकते हैं, क्योंकि आप एक मेंटल वर्क करते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं, तो एटलीस्ट या 6-7 घंटे की नींद जरूर लेना। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम है कि प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर स्टडी टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। एक्चुअली होता क्या, आपको ये ना कैलकुलेट करना होगा कि जरूरी चीजें जैसे कि खाना पीना सोना ट्यूशन जाना, कुछ घर के काम होते हैं, इन सब का टाइम आप कितने देर दे पाते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग है, इनमें भी टाइम लगता है। अगर आप इसको सेपरेट, इसको अपने रूटीन में नहीं ढालेंगे ना, तो आपका हर टाइम टेबल गड़बड़ ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई दिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, तो आपको लगेगा अरे मेरा टाइम टेबल खराब हो गया। इस चीज को अपने टाइम टेबल के पार्ट में डालिए, और उसके बाद आपने देखा कि चलो मेरे पास 8 घंटे हैं और मेरे पास सब्जेक्ट 6 हैं, तो जो थोड़ा टफ लगता है उसको 1.5 घंटा दीजिए, 2 घंटा भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट अगर आपने आज पढ़े तो कुछ तो सब्जेक्ट होंगे जो बहुत ईजी होंगे, उसको ऑल्टरनेट डे में रखिए। संडे वाला दिन ऐसा रखिए कि पूरा रिवीजन हो, टेस्ट पेपर्स करें, ट्यूशन वाले नहीं ले रहे तो खुद से कर लीजिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में है। और साथ में मेरे भाई पढ़ने के दौरान किसी से कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन से पता है क्या दिक्कत आ जाती है, सबसे बड़ी चीज आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका वो जो विल पावर है ना वो खत्म हो जाता है। आप भले ही 40% के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने किसी को भी देख लिया ना तो वही पे लगता है भाई मैं तो फेल हूं यार, बल्कि आप 40% थे ना, लेकिन फिर भी आपका मोरल खत्म। तो अपने आप को कंपैरिजन मत करिए, वो मत देखिए कि अरे भाई तूने 5 सीट भर दी यार, अरे अपना तो भी एक पन्ना नहीं चल रहा। अब 5 सीट उसने भर दिए भाई उसके जान दे, अपना एक पन्ने में ही काम चलाते हैं, रिजल्ट में उसके आते हैं 45 और तुम्हारे कम से कम 60 तो रहते हैं।
छोड़ो ना 10 पन्ने वाले भरने को, इग्नोर करो यार। तो इस चीज समझो, कंपैरिजन भूल के भी नहीं करना ऐसे टाइम में, एग्जामिनेशन टाइम में। एंड दोस्तों नेक्स्ट बात करूंगा कि डिस्कवर योर टाइप्स ऑफ लर्निंग, एंड सेकंड कि भाई पढ़ना क्या है। सिंपल सी बात कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो इस दिमाग में ये बात फिट कर लो, ना समझ आए मेरे भाई तो ये बात लिख लो, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो कि हाँ सर मैंने देखो लिख लिया है आपने, उसमें उसकी फोटो खींच के मुझे टैग करना, महात्मा जी टेक्निकल लिंक दे रहा हूँ, टैग करो यहाँ पे कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस में है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पन्ना पलटे, पढ़ लिया, फिर नींद आ गई, फिर सो गए, फिर से नेक्स्ट डे आया, फिर से पहला पन्ना पलटा, फिर से देखा, फिर से पढ़े, फिर सो गए और फिर से वही चलता रहा, और पहले पन्ने में हम महारत हासिल कर ली हमने। तो इससे बेटर है कि बाकी जितने भी सिलेबस है उसको पहले पढ़ डालिए। जो लोग कहते हैं कि मैंने, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, कहते हैं हम पूरे मंथ में एक बुक दो बुक पढ़ते हैं, अबे कौन सा क्या पूरा रट्टा लगा लिया क्या, अबे पढ़ते हुए चले जाते हैं बस, जितनी चीज दिमाग में घुसी। डिपेंड्स ऑन यू, कुछ लोग ज्यादा लाइक लर्निंग पावर अच्छी है तो थोड़ी बुक की ज्यादा चीजें उनको माइंड में रहती है, कुछ लोग हम जैसे होते हैं थोड़ी कम रहती है, लेकिन रहती सबके है। अब बंदा रटने लगेगा कहां समझ आएगा। दोस्तों गेम को समझो, इस तरीके से फोकस्ड करो, टाइम टेबल इसी तरीके से अपना बनाओ, किसी चीज को गैप मत दो स्टडी के दौरान हमेशा। और स्टडी जो है मेरे भाई वो एवरीडे करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये थी बातें, एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है आपको एग्जामिनेशन टाइम के दौरान। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल सीखना कि YouTube पे वीडियोस कैसे बनाते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, कैमरा कैसे, क्योंकि सारा कुछ हम अपने पर्सनली मैं आपको अपने साथ सिखाना चाहता हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो दिए नंबर पे कॉल करिए, आपको वो सारी डिटेल्स बता देंगे, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, तो सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं वहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।